नमस्कार दोस्तों, हरियाणा अब तक से पुष्पेंद्र सिंह राजपूत आपको बताते हैं क्या है खास। देख सकते हैं कितनी गंदगी है। वार्ड नंबर 15 गांधी कॉलोनी, और 2-3 महीने से यही हालत है। लोग परेशान हो गए इस गंदगी में रहते रहते, तो स्थानीय लोगों ने युवा समाज सेवी एवं आम आदमी पार्टी के नेता भी हैं चंचल तवर, उनसे गुहार लगाई कि भाई साहब साफ करवा दो, बहुत गंदगी है, रहना दूभर हो रहा है, लोग बच्चे बीमार हो रहे हैं, बड़े बुजुर्ग सब बीमार हो रहे हैं। तो चंचल तवर ने आज गांधी कॉलोनी की कई गलियों में अपनी तरफ से कुछ सफाई कर्मचारी लगाकर निजी खर्चे से उन्होंने सफाई करवाई। और आपको बता दें कि फरीदाबाद में गंदगी का भंडार कहीं भी आप देख सकते हैं। इस समय पंचायत का चुनाव चल रहा है और हम फरीदाबाद के कई गाँव में गए थे, बहुत अच्छे हालात हैं गाँव में, लेकिन शहरों में क्या बताएं आपसे, आप समझ सकते हैं। चंचल तवर हैं आपके सामने, सफाई करवा रहे हैं, अपनी तरफ से कर्मचारी लगाए हैं अपने खर्चे पर। ये देखें नाली सब साफ की जा रही है। आपको बताते हैं कि फरीदाबाद में खैर एक साल से तो पार्षद नहीं है, लेकिन जो 5 साल मलाई खाए बैठकर वो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। और कुछ युवा समाज सेवी, कुछ अच्छे समाज सेवी आ रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं। मलाई खाने वाले गायब हैं, चुनाव में आ जाएंगे जब चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा। गांधी कॉलोनी 5 नंबर से आगे पड़ती है, रेलवे स्टेशन से पहले, ओल्ड रेलवे स्टेशन से पहले। जगह जगह गंदगी का भंडार, बहुत ज़्यादा गंदगी, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा। नालियाँ एकदम 2-3 महीने से भरी पड़ी, जगह जगह कूड़ा। यही नहीं, पहले भी कई तरह की समाज सेवा करते देखे गए थे चंचल तंवर, और अब भी देख सकते हैं लगे पड़े हैं। और यही नहीं, क्षेत्र में 3-4 साल से लगातार लगे पड़े हैं। यहाँ के जो निवर्तमान पार्षद हैं वो दिखाई नहीं पड़ते हैं, इसलिए लगता है कि लोगों ने अभी से चंचल तंवर को पार्षद मान लिया है। खैर अभी चुनाव होंगे, चुनाव लड़ा जाएगा, जीता जाएगा, कौन जीतता है कौन हारता है, लेकिन लोगों ने अभी से कुछ और समझ लिया है। देखें कई गलियां सफाई करवाई गई हरियाणा तक से पुष्पेंद्र सिंह राजपूत।